गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे, यानी एक्सपायरी से ठीक पहले का दिन, और हम आजकल मार्केट के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, यानी कि कभी हमें हैमर दिख रहा है, कभी हमें डोजी दिख रहा है, या फिर कभी कभी दिख रहा है हमें फ्लैट। तो इस तरह से जब मार्केट नियर टर्म टॉप पे होता है, जरा कुछ इसी तरह से वहां पर एक्टिविटी होते रहती है, क्योंकि जैसे ही डिप जाता है, कुछ ट्रेडर को लगता है एक अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप्स किया, सीधा उसको ऊपर लेके जाता है, लेकिन जैसे अपने प्रीवियस लेवल पे जाता है, अगेन वहां पे फिर टॉप के आसपास पहुंच जाता है, एंड वहां से फिर से एक फेयर आ जाता है कि यहां से करेक्शन आ सकता है। इसीलिए जब भी कैंडल बनती है, छोटी छोटी डेटा छोटी छोटी बनती है, वही अगर डेटा के ऊपर नजर डालें, FIs एंड DIs के एक्शन के ऊपर, कुछ टाइम पहले के और अभी के डेटा के ऊपर, पहले जो बाइंग और सेलिंग जो होती थी एक हैवी नंबर में होता था, अभी की अगर बात करें बड़े ही छोटे छोटे नंबर में होता है, यह भी हमें थोड़ी सी एक चीजें बताता है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कल के दिन, देखेंगे शॉर्ट में सारे के सारे जो होते कल के दिन ग्रीन में बंद हुए थे, और निफ्टी की बात करें 850 से ऊपर हुआ था, यानी रफली बात करूं 15,870 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, एक स्ट्रांग क्लोजिंग आप इसे कह सकते हो। वहीं बात करें आज के दिन, इस वक्त आपको देखें ग्लोबल मार्केट सारे के अभी आपको मिक्स टू न्यूट्रल दिख रहे हैं, यानी कोई ऐसा बहुत बड़ा किसी भी मूव आपको कहीं तरफ दिखाई नहीं दे रहा। SGX निफ्टी की बात करें 840 के आसपास दिखाई दे रहा है, ताइवान की बात कर लें या फिर और जगह, हर जगह हमें मिक्स आज के दिन दिख रहा है। हमारे वहां भी होगी कल के दिन एक्सपायरी, अगर आज के दिन ऑल दो मार्केट अगर कुछ हिकअप्स दिखाता है तो ऐसा नहीं है कि आज से सीधा ट्रेंड नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन कुछ अगर हिकअप्स दिखाते हैं तो अच्छे शेयर के ऊपर फोकस रहना चाहिए। मार्केट में मूवमेंट आए ना आए आज के दिन, या फिर फ्लैट या फिर ज़िगज़ैग रहने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, लेकिन जो स्टॉक है उनमें एक जो अच्छे लेवल्स पे है अपने, उनमें एक मूवमेंट आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अदरवाइज हमारे लिए सपोर्ट तो हमें पता ही है, 840 के आसपास रफली ये SGX निफ्टी इस वक्त दिखा रहा है, लेकिन सबसे पहला जो सपोर्ट निकल गया अगेन वही लेवल जो काफी दिनों से रेजिस्टेंस बना था 15,800, और उसके बाद 15,750, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पहले 600 था 15,600, अभी वो हो चुका है 15,700, यानी वहां तक एक रेंज आ जाती है अगर हमें आज और कल में कोई हिकअप्स दिखते हैं। अदरवाइज ऊपर की तरफ हमारी जो कैप है वो वही है 16,040 तक वहां पर कैप है हमारी। बाकी धीरे धीरे एक चीज और है, ऑप्शन में जो रेंज है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होते जा रही है, 16,100 की तरफ शिफ्ट हो रही है, वो तो हम तब देखेंगे जब 16,000 के ऊपर या 16,050 के ऊपर हम क्लोजिंग देना शुरू कर दें, 16,050-40 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दें, उसके बाद हम उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम जब तक हम 16,000 के नीचे है, हमारे लिए वही एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा, एंड वैसे भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही। नेक्स्ट बात करें क्रूड ऑयल आपको दिख रहा है 1% से ऊपर पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। यानी नेचुरल गैस में हमने देखी कल के दिन और परसों में, परसों 6% से प्लस तेजी, कल के दिन भी अच्छी तेजी थी 2% से प्लस, एंड आज के दिन देखिए जस्ट उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। गोल्ड एंड सिल्वर में जरा जरा सा प्रॉफिट बुकिंग चल ही रही है। उसके बाद करें करेंसी मार्केट के सारे आपको इस वक्त ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो 73 था दो तीन दिन पहले, 73.31 पहुंच चुका है डॉलर। बात करें पुट कॉल रेशियो एंड इंडिया विक्स के, दोनों कंफर्टेबल हैं, उतना टेंशन लेने की जरूरत एज ऑफ नाउ है नहीं। एंड FIs एंड DIs के एक्शन के ऊपर नजर डालें तो आप यहां देख सकते हो किस तरह से छोटी छोटी क्वांटिटीज में यहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, सेलिंग जो भी हो रही है लेकिन बाइंग बहुत छोटी छोटी हो रही है। अभी भी अगर कई दिनों से हम बात करें, जैसे ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिस भी तरफ को जाएगा अगेन ये 1000 से प्लस होना शुरू हो जाएगा, सेलिंग की तरफ को या फिर बाइंग की तरफ को हमारा फोकस जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट उस तरफ को एक मार्केट एक दिशा ले सकता है उस तरफ को। कल के दिन जो रहा फ्लैट रहा, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा निकल के नंबर नहीं आया, जितनी बाइंग हुई उतनी ही लगभग सेलिंग भी हो चुकी है। सबसे पहली जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है न्यूगन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से। देखिए जब भी मार्केट टॉप पे होता है हम देखते हैं, या फिर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, बहुत बार हमें ब्लॉक डील, बल्क डील ये सब होते हुए दिखती है। वो इसीलिए होता है कि उनके पास भी नीचे के लेवल से शेयर होते हैं, अच्छी होल्डिंग होती है, मार्केट टॉप पे होता है एक बार वहां प्रॉफिट बुकिंग जरूरी हो जाती है, फिर चाहे वो बहाना कोई भी हो सकता है। इसीलिए इस वक्त भी हम देख रहे हैं डेली एक के बाद एक कभी ब्लॉक डील कभी बल्क डील हमें दिख ही रही है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिनके तीन जो प्रमोटर थे उन्होंने कुछ ऑफलोड किए हैं, कुछ शेयर बेचे हैं। रफली बात करूं उसके अगर जिसको प्राइस निकले 335 करोड़ के जो उन्होंने शेयर बेचे हैं ओपन मार्केट के थ्रू, एंड जो उसके अगर परसेंटेज की बात करूं रफली 10.55% के जो स्टेक है उन्होंने सेल आउट किया है, एंड और उसके शेयर जो थे 73.8 लाख शेयर बेचे हैं उन्होंने एट द प्राइस ऑफ 454, ये ब्लॉक डील के थ्रू हुए हैं, एंड ये डेटा जो दिखा रहा है BSE में, यानी इस तरह से उन्होंने अपने जो अपनी होल्डिंग है उसे कम किया है एंड ओपन मार्केट में सेल किया हुआ है। सेकंड जो बल्क डील हुई है अगेन ग्लोबस, यानी ग्लोबस को पिछले 3 दिन से हम लगातार कवर कर रहे हैं बल्क डील में, या थर्ड डे है, यानी हर दिन सेम कंपनी में ग्लोबस में सेम फंड
और हर दिन इसमें माल बेचा जा रहा है। जिन लोगों के पास है उन्हें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कल के दिन में 2.38 लाख इक्विटी शेयर बेचे हैं एट द प्राइस ऑफ 430.18 पर शेयर के हिसाब से। ये बल्क डेटा हुआ है, यानी बल्क डील हुई है, ये हमें दिखा रहा है यानी किस तरह से डेली इसको प्रमोटर जो है या फिर बड़े फंड है अपनी प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए स्मॉल इन्वेस्टर, आप लोग हैं ऑलरेडी शेयर हो चुका कई दफा, डिसीजन इंडिविजुअल होगा। इनके पास उस कंपनीज को डिस्कस करते हैं जिनका आज आने वाला रिजल्ट आपके सामने एक लिस्ट है, आप हो सकता है इनमें से आपके पास कुछ हो या फिर आप इनको जानते हैं। राइट्स एक बेहतरीन कंपनी है, उसके आने हैं रिजल्ट, उसके बाद न्यूरोक का आने हैं एंड उसके बाद जो लिस्ट लंबी है आप यहां क्लियरली पढ़ सकते हैं क्रीम एंड ऐसा नहीं है कि सभी ने बेच ही दिया, कुछ लोग खरीद भी रहे हैं। यानी ल्यूपिन में एलआईसी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, यानी रफली बात करें 2.019 स्टेक को इन्होंने इंक्रीज किया। पहले एलआईसी के पास ल्यूपिन में थी 4.61%, अभी जो हो चुके 6.629%, यानी कि उन्होंने कल के दिन ओपन मार्केट से इसे बाय किया हुआ है। इसके बाद जो न्यूज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इस कंपनी का आए थे रिजल्ट और जो पिछले साल इन्होंने पोस्ट किए थे 421 सीआर और इस बार किए हैं 398, यानी वहां से हमें एक डिप नजर आ रही है स्टैंड लोन प्रॉफिट में, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है इसका। नेक्स्ट जो रिजल्ट आया है पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की कंपनी के, इसके बड़े ही शानदार रिजल्ट आए हैं। अगर आप पिछले साल की कंपेयर करेंगे पिछले साल थे 693 यानी 693 करोड़ और इस बार है 3906 करोड़। किस तरह से जंप है आप यहां क्लियरली देख सकते हो, मल्टीफोल्ड जंप आया इसमें। अगली जो न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है आईसीआईसी बैंक ने, कंपनी का कहना है कि इन्होंने रेज किए कुछ फंड किए हैं, रफली बात करें 2827 यानी 2827 सीआर इन्होंने जो रेज कर लिए हैं बाय इशूइंग बॉन्ड। तो इस तरह से इस कंपनी के ऊपर भी आज न्यूज। अगली जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है डालमिया भारत शुगर से। अब इसमें न्यूज क्या है कि जैसे कि गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है कि जो इथेनॉल है उसकी जो प्रोडक्शन उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, तो उसी लाइन पे ये कंपनी काम कर रही है। पहले ये समझ रहे थे इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रेज इथेनॉल का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जाए। तो अभी क्या है कंपनी कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, अभी कंपनी कर रही है करंट में 8 करोड़ पर लीटर यानी 8 करोड़ लीटर पर एनम अभी जो ये प्रोड्यूस कर पा रही है। इनका प्लान जो है वो इनका प्लान है रफली 15 करोड़ लीटर पर एनम यानी 8 से 15 का यानी, और जो ये टारगेट रखा है 2022 तक के यानी गवर्नमेंट के जो प्लान है उसके साथ इनका भी प्लान चल रहा है। तो यहां से इसके ऊपर फोकस रख सकता है। ऑलरेडी हमने देखा बीते दिनों में सुगा जितने भी कंपनी है उनमें बड़ी अच्छी तेजी देखी है हमने। अगली और जो शानदार न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है जुबिलेंट फूड से, यानी कि डोमिनोज पिज्जा से या फिर डंकिन डोनट से। इस कंपनी के आए थे क्वार्टर फोर के रिजल्ट और बड़े ही बेहतरीन इसके रिजल्ट पोस्ट इस कंपनी ने किया है। यानी पिछले साल की अगर बात करें 32.53 सीआर उन्होंने पोस्ट किए थे इसी मार्च में और इस बार जो पोस्ट किए हैं आपके सामने 105.30 सीआर यानी 32 से 105 एक मल्टीफोर्ड जंप आपको इसमें दिख रहा है। आज के दिन ये हो सकता है, ऑलरेडी शेयर नीचे से थोड़ा भाग चुका है, आज के दिन ये शूट अप अगर होता है तो देखने वाली बात होगी। अगली जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है वर्लपूल से। वर्लपूल के ऊपर एक ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज उसके रिजल्ट आए हैं, किस तरह रिजल्ट आपके सामने है। यानी पिछले साल की अगर बात करें तब कंपनी ने 92.34 करोड़ का बिजनेस ओपन जो कंसोलिडेट प्रॉफिट था वो दिखाया था, लेकिन इस बार आप देख सकते हो 40% का जंप आया, 40.84% का जंप आया, रफली अगर बात करूं 41% का, जो कि अच्छा है, मल्टीफोर्ड जंप हो जाता है यहां से। अभी जो पोस्ट किया 130 करोड़ यानी 130 सीआर जो था 92 वहां से आपको क्लियरली एक अच्छी जंप नजर आ रही है। देखते हैं, ऑलरेडी जो शेयर है इसी चीज का वेट कर था, अगर आप इसका चार्ट करोगे उस तरह से मोमेंटम आया नहीं है, काफी दिनों से वेट कर था कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद डिसाइड करेंगे एंड अभी भी काफी ओवरसोल्ड है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। अदरवाइज आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली पार्ट बन सकते हैं। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।